हेलो ऑल, मैं जाहिदा, इंडस्वीवा कॉर्पोरेट डिवीजन से। आज का हमारा ये सेशन हिंदी में होगा। हमारे एडिटर हैं इंडस्वीवा के, और हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा ऑन बिल्डिंग डाउनलाइन स्किल्स। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि इस लॉकडाउन के सिनारियों में बहुत सारे ऐसे कम बिजनेसेस फुल्ली फंक्शनल हैं। बहुत सारे बिजनेसेस कंप्लीटली शट डाउन हो चुके हैं, बहुत सारे बिजनेसेस पार्शली वर्क कर रहे हैं, बहुत कम ऐसे बिजनेसेस हैं जो फुली फंक्शनल हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं हेल्थ केयर डोमेन्स, हमारा MLM जो भी वेलनेस और हेल्थ के मीडियम में चलता है, इंडस्ट्री ऑन दोज लाइंस। और बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो डिजिटल का सहारा लेके आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडस्वीवा MLM का परसेप्शन ये होता है कि आप फिजिकली जाएं, किसी से बात करें, उनको प्रोस्पेक्ट करके बिजनेस के अंदर जोड़ें। बट देन हम ये सारा कुछ डिजिटली कर रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट। तो हमारा आज का डिस्कशन मिस्टर वीरेंद्र जी के साथ ये होगा कि वो हमको इनसाइट्स बताएंगे बेसिकली ऑन वो क्या कर रहे हैं अपने टीम को साथ में रख के, और यू नो उनको कैसे एजुकेट करके ट्रेन कर रहे हैं डिजिटली। तो सर, नमस्कार दोस्तों, जाहिदा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो थैंक यू सो मच। मैम, बहुत कुछ सीख रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, तो आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। ठीक है सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप कैसे अपने डाउनलाइन मेंबर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, यू नो टू एड्रेस देयर इमोशनल कंसर्न्स। जैसे लॉकडाउन हो गया तो बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये था कि हम बिजनेस कैसे करें। तो पहले जो चीज हमारे दिमाग में आई थी कि हम बाहर जाके प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, बीइंग एन MLM बिजनेस, हम पहले तो यही सोचे कि यू नो बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन हो गया है, अभी कैसे होगा हमारा बिजनेस। तो इमोशनल एक स्ट्राइक हुआ होगा हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर। तो आपने कैसे इसको हैंडल किया सर? जैसे मैम, इस वक्त का प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें हमें इमोशनल, जब आप टीम के साथ बात करते हो तो मैम थोड़ा सा इमोशनल आपको होना ही पड़ता है भाई, क्योंकि जब तक हम इमोशनल अपनी टीम के साथ अटैच नहीं है तो नेचुरली बात है वो अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ डिस्कशन नहीं कर सकते, राइट। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में हमें डिजिटल भी होना है, तो इमोशनल को डिजिटल के साथ जोड़ने के लिए हमें अभी भी काउंसलिंग मीट करनी चाहिए डिजिटली, राइट। जैसे अभी मेरी आपके साथ बात हो रही है ना, तो हम लोग पर्सनल बात भी कर रहे हैं और डिजिटली भी बात कर रहे हैं, तो इमोशनल और डिजिटल का कंबाइन करके इस वक्त हमें चलना पड़ रहा है। इस तरह ही मैं कर रहा हूँ लोगों के साथ, अभी भी मैं उनके गोल सेटिंग कर रहा हूँ, अभी भी उनके साथ बात हो रही है कि वो कैसे अपने ड्रीम बिल्ड करेंगे। इमोशनल बात होती है उनके साथ, जो जो उनके, क्योंकि जब उनके ड्रीम की बात हो रही है तो उनके लिए इमोशनल है ना। लेकिन लेकिन उसके लिए हम जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो डिजिटली कर रहे हैं, राइट। तो इमोशन और डिजिटल का जो कंबाइन चल रहा है मैम इस वक्त, उसके साथ इस वक्त का जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, और बहुत अच्छा काम हो सर, तो क्या आप किसी एक या दो स्किल सेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी के डिजिटल सिनेरियो में? जो भी हमारा वाइब्रेंट वीवा का सेशंस चल रहा है, जूम VOPs है, यू नो जो भी जूम मीटिंग्स चल रहा है, बहुत सारा तो हम जूम ही यूज कर रहे हैं टू गेट कनेक्टेड विद आवर टीम मेंबर्स एंड स्टफ लाइक दैट। व्हाट्सएप का भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बट देन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा उभर के आया है जो जूम है। तो आप लोगों को देख भी सकते हैं, वो फिजिकल टच दिखा सकते हैं कि मैं कनेक्टेड हूं तुम्हारे साथ। तो ऐसा कुछ स्किल सेट्स लेटली आपने जो देखा है कि यू नो ये बहुत आगे लेके जाएगा हमारे बिजनेस को, या फिर आपका जो भी टीम बिल्डिंग स्ट्रेटेजी है उसको? मैम, हम मतलब जूम को भी यूज कर रहे हैं और व्हाट्सएप को भी यूज कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जो व्हाट्सएप है मैम, उसमें चार लोगों के साथ हम बात कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम चार लोगों का वीडियो कॉल हो जाता है। जब भी हम काउंसलिंग मीट करते हैं तो मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हम व्हाट्सएप ही यूज करें, राइट। और जब मतलब बड़ी मीटिंग करनी हो तो नेचुरली बात है हमें जूम ही का ही साथ रहना पड़ता है, राइट। तो इस वक्त की मैम जो सबसे बड़ी, जो इस वक्त हम जिस स्किल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो है, क्योंकि हमारी जूम VOP चल रही है, हमारी वीडियो चल रही है सैटरडे को, और ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है। हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी देख रही है, वाइब्रेंट व्यू एजुकेशन सिस्टम देख रहा है, हमारी जो VOPs हैं वो वाइब्रेंट व्यू एजुकेशन सिस्टम देख रहा है, हमारी ट्रेनिंग जो है वो वाइब्रेंट व्यू एजुकेशन देख रहा है। तो हमें बहुत सारी स्किल डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जो एक बहुत ही ज्यादा हम डेवलप कर रहे हैं वो है 1-to-1 प्रेजेंटेशन। तो
वन टू वन प्रेजेंटेशन से पहले क्या होता था, हम किसी के घर में जाते थे, हाय हेलो होती थी, उसके बाद चाय वाय पीने के बाद बिजनेस स्टार्ट होता था, है ना। अब थोड़ा सा चेंज नेचुरली बात है, नेचुरली बात है कि जब मार्केट चेंज है तो थोड़ा सा हमें चेंज हो रहा है। अब चाय खुद की लेके बैठना पड़ता है और उसके बाद हमें उसके बाद हमें वन टू वन प्रेजेंटेशन जो है वो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जब हम जूम मीटिंग में 500 लोगों को एड्रेस करते हैं तो हम उनके साथ पर्सनल बात नहीं कर सकते, उनकी जो क्वारीज हैं उस, अगर हम वहां पे अगर म्यूट खोल दें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब मॉल में घूम रहे हो, मेले में घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, आप क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे, राइट। और बहुत सारे लोग प्रोफेशनल भी उसमें नहीं है जो प्रोफेशनली क्वेश्चन करें, बहुत सारे लोग तो किचन में बैठ के भी जूम पे बैठे हैं, कुछ लोग कहीं भी लेट के जूम पे बैठे हुए हैं, तो वहां पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें एक स्किल बहुत अच्छे से डेवलप करनी पड़ रही है, दैट इज वन टू वन प्रेजेंटेशन। तो वन टू वन प्रेजेंटेशन के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ और टीम को भी बात कर रहा हूँ कि हम अब किसी कोई भी कहता मिलना तो मिल लेते हैं जूम पे थोड़ी देर में, मतलब तो मिलना डिजिटली मिलना है। तो ये स्किल के ऊपर हम मेनली फोकस कर रहे हैं, इसको हम वन टू वन प्रेजेंटेशन करें। जी मैम, तो बेसिकली आप बोल रहे हैं द प्रेजेंटेबिलिटी ऑफ पीपल डिजिटली, राइट? तो कैसे लोगों से मिलें, कैसे उनको ग्रीट करें, कैसे मेंटेन करें सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, राइट। सो बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा सर कि जो आप सीख रहे हैं और आपने डाउनलाइन को भी सिखा रहे हैं, ये चेंजेस जो आ रहे हैं, ये जो अडेप्टेबिलिटी है डाउनलाइन में कैसा है, लोग इसको इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको सीखने में दिक्कत आ रही है, या ऐसा कुछ सिनेरियो आप शेयर करना चाहें तो? मैम, जब भी कोई चेंज आता है तो उसमें दिक्कत जरूर होती है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में लगभग मैम आज 25-30 साल से ज्यादा हो गए, और इसका जो स्टाइल था वो यही था, एक्साइटेड वन टू वन मिलना, गले मिलना, हग करना। तो और इस वक्त इंसान, आपको पता है, प्रेजेंट सिनेरियो में सबको अपना जो दुश्मन लग रहा है वो इंसान ही लग रहा है, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसमें थोड़ा सा सक्सेस के बाद ग्रैंड वेलकम होता है, और जब आपकी कोई बात आप करते हो तो आपकी टीम आपको अप्रिशिएट करती है, और कहते हैं एक नेटवर्कर की जो खुराक होती है वो तालियां और शोर जो लोग मचाते हैं, तो उससे वो बेस्ट निकल के आता है। तो ये सब चीजें के साथ हमें आदत हो गया था इन चीजों को करने का, राइट। तो उसको हम जब जब हम उसको शिफ्ट करेंगे तो तकलीफ दिक्कतें वो मतलब आएंगी, लेकिन जब अदर ऑप्शन ही नहीं है तो मैम उसको सीखना ही पड़ेगा, तो उसको दिक्कत आ रही है, बट लेकिन चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमें 2 ही महीने हुए हैं। एक्चुअली मेरा ये मानना है मैम कि जब भी कोई ऐसा क्राइसिस आता है, तो इस वक्त अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मोस्टली लोगों को ये माइंडसेट हो चुका है कि हमें जब खुलेगा तब काम करेंगे। मेरे ख्याल से अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 1-2% लोग ही होंगे जो इस वक्त बिजनेस को बढ़ाने की बात सोच रहे होंगे, है ना, जो इस वक्त काम करने की बात सोच रहे होंगे 1-2% लोग ही होंगे। पता नहीं, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा दिख नहीं रहे जो जिससे मतलब बात होती है, तो वो यही कहता है जब खुलेगा देखेंगे, जब खुलेगा सोचेंगे, तो मतलब इस वक्त। लेकिन मेरा ये मानना है मैम, ये जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि हम कुछ करेंगे, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ये लोग आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, राइट। तो हमें चेंज लाना ही पड़ेगा, अगर हम बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं तो मैम चेंजेस जरूरी है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। दिक्कत हो रही है लोगों को, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि हमें उनको एजुकेट करना है, देन उनको मॉनिटर करना है, राइट, और उसके बाद हम उनकी प्रमोशन करेंगे, राइट। तो करता मैम कोई नहीं है, मॉनिटर करना पड़ता है, राइट। तो सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप बोल रहे हैं अबाउट द चेंज एंड मॉनिटरिंग पीपल, वो किस एस्पेक्ट पे जा रहे हैं, वो जहाँ पे गलत हो रहे हैं उनको ठीक राह पे दिखाना, डिजिटली हो सकता है अभी के सिनेरियो में, इन फ्यूचर अगर हम फिर से एम्फसाइज करें डिजिटल के बारे में, तो आईसी डिजिटल ही होगा फ्यूचर में भी, लिया है जो पिछले 2 महीनों में हमें सोचा नहीं होगा कि हम वहां तक जाएंगे भी बेसिकली, राइट सर जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल विल बी द वे फॉरवर्ड? मैम कोई और ऑप्शन है ही नहीं मैम। आज मैं अगर बात करूं तो मैम हमारे, अगर यहाँ मैं पंजाब में रहता हूँ मैम, तो पंजाब के किसानों ने भी अब टाइयां लगा ली, मतलब चेंज आ रहा है, और टाई लगा के वो बैठना शुरू हो गए हैं, तो लोग देख रहे हैं कि यार टाई लगा के घर में क्यों बैठा हुआ है,
सारे लोग कह रहे हैं काम नहीं हो रहा, मतलब जैसे चाहे वैसे हैं, लेकिन ये लोग हो रहे हैं, इसका मतलब डिजिटली अपडेट हो रहे हैं। जैसे हमने जूम मीटिंग स्टार्ट करी थी तो मैम पहले जो क्राउड होता था 50-100 लोग बड़े मुश्किल से आते थे, लेकिन अब क्या होता है 1000 की गैदरिंग वाला भी हो तो 1000 पूरे हो जाते हैं और 500-1000 लोग लाइन में होते हैं। इट मीन्स चेंज आ रहा है, इट मीन्स लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो लीडर्स हैं मैम उनको पॉजिटिव बोलना पड़ेगा इसके लिए। उनको मतलब ये बात नहीं करनी होगी, मतलब ये हो रहा है वो हो रहा है, दिक्कत वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं करनी चाहिए। जब हम पॉजिटिव बात करेंगे तो मैम नेचुरली बात है कि हमें हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं। कहते हैं कि अगर चोर है चोरों को चोर मिल जाते हैं, सत्संगियों को सत्संगी मिल जाते हैं, है ना, ज्वारी को ज्वारी मिल जाता है, उसी तरह लीडर को लीडर मिल जाता है। जैसे हम हैं वैसे हमारे हमें लोग मिल जाएंगे। राइट सर, तो हमें फोकस करना है पॉजिटिविटी के ऊपर। इस वक्त क्या किया जा सकता है बेस्ट, क्योंकि हम लोग अगले इकोनॉमी ड्राइवर हैं। आपने उस लाइन को बहुत ब्यूटीफुली पिक्चराइज किया कि यू नो अगर हम जील रख के कुछ करें, पॉजिटिविटी दिखाएं लोगों के अंदर, तो लोग भी आगे बढ़ के यू नो ड्राइव करेंगे द एंटायर फोर्स। वेरी वेल सेड सर, थैंक यू। सो सर, जो आप बोल रहे हैं अबाउट द चेंज, इसके कंसर्न में क्या आपके पास ऐसा कुछ टिप्स हैं जो लोग फॉलो कर सकते हैं, लाइक योर एक्सपर्टाइज जो लोगों के काम आए? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा मैम, कुछ भी मैं बोलूं उसको लोग नहीं करेंगे, राइट, कुछ भी मैं करूं उसको लोग करेंगे, राइट। तो मतलब जो भी मैं ये, अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम में चेंजेस आए तो आप वो करिए, अगर आप बोलेंगे तो लोग नहीं करेंगे, राइट। तो हमें वो करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं कि हमारी टीम में हो। अगर हमारी टीम में लोग जूम मीटिंग करें तो पहले आपको करनी पड़ेगी। अगर हमारी टीम में लोगों की बढ़िया इनकम हो तो सबसे पहले आपकी इनकम बढ़िया होनी चाहिए, राइट। जैसा कि जब हम मैम प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो एक मैडम आके बोलते हैं हमें कि किसी को हेल्प करने से पहले अपना मास्क लगा लें, है ना। तो आप अगर किसी की हेल्प करना चाहते हैं मैम, तो पहले अपनी हेल्प करिए, पहले आप खुद इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन है मैम उसको थोड़ा सा बेटर करिए, तो आपको देख के लोग इंस्पायर होंगे, फिर वो आपकी बात भी मानेंगे। अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपकी बात लोग कैसे मानेंगे। तो कुछ भी सिखाने से पहले आप करिए। तो इसके लिए लोगों को हेल्प, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप खुद खड़े हो जाइए इस वक्त हमारी कंट्री को और आपके घर को, आपके बैंक बैलेंस को आपकी जरूरत है, आपको इस वक्त डिजिटली आना ही पड़ेगा, इस चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बहुत बड़े बड़े जो आपको पता है इस वक्त बिजनेसमैन है, अगर वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो तो खत्म हो रहे हैं, है ना। तो हमें चेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और जब आप सोचना शुरू कर देंगे मैम इस तरफ कि हम करेंगे, तो आपको रास्ते भी मिल जाएंगे और आप सीख भी जाओगे, क्योंकि आज ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। मैं आपके साथ वीडियो में बात कर रहा हूँ क्योंकि आज से 2 महीने पहले मैं सोचता भी नहीं था कि ऐसे कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आऊंगा, राइट, और आज ऐसे इस तरह से बात करूंगा। ये चेंज है मैम, ये एक्सेप्ट किया है और इससे लोगों ने भी एक्सेप्ट किया है। और आज मैम डिजिटल जब से हुआ है तो ये बहुत ईजी भी हो चुका है, ऐसा भी नहीं कि ये टफ है, बहुत ईजी हो चुका है इस वक्त। फॉर एग्जाम्पल कि हमने पहले हम सोचते थे, जैसे मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ तो सोचता था कि पठानकोट में बिजनेस करते हैं, चंडीगढ़ में करते हैं, वहां जाना पड़ेगा। वहां आज कितना इजी है मैम, आज अभी मुझे केरला में के लोगों के साथ बात करनी है तो अभी ऑनलाइन अपना लैपटॉप खोलूंगा तो सीधा उनके साथ मीटिंग कर लूंगा, है ना। आज मुझे यूएसए वालों के साथ मीटिंग करनी है तो एक क्लिक के साथ मीटिंग हो जाता है। आज नेपाल वालों के साथ बात करनी तो एक क्लिक के साथ बात हो जाती है। तो बहुत ईजी भी हो चुका है, जब हम इसको प्रॉपर तरीके से मैम सीखेंगे तो हमें इसके रिजल्ट बहुत शानदार मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा गट्स रख के हम इसको पॉजिटिव तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। राइट सर, क्लोजली कोविड के सिचुएशन में ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो सब ने बहुत राइटली बताया, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, अडैप्ट करना चेंजेस के साथ बहुत जरूरी है, तो ऐसे स्किल सेट्स जो आपके डाउनलाइन को भी बहुत effectively you know utilize करने में उनको मदद होगा। मैम हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है मैम कि हम वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम के साथ हैं, राइट। ये ब्यूटी इतनी शानदार है कि हम अगर इसको प्रॉपर ही फॉलो करें
तो हमें कोई भी सिचुएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैम, मेरा लास्ट वीक की अगर बात करूं तो मैम मेरा ट्यूसडे को सीलिंग हो गया, राइट, जबकि हमें फ्राइडे क्लोजिंग होती है। नॉर्मली कोविड के बाद जो मेरा सीलिंग था वो फ्राइडे को ही हो रहा था, लेकिन इस वीक ये ट्यूसडे हो गया। उसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं सर जी आपने एजुकेट किया, आपने ट्रेनिंग दी, आपने, ऐसा नहीं है। मैंने जो भी आज तक किया टोटल वाइब्रेंट विवा एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके किया। अभी वाइब्रेंट विवा ने एक प्रोमो निकाला कि सैटरडे से लेकर मंडे तक जो लोग अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे उनको हम कुछ रिवॉर्ड देंगे। तो मैंने उसको सीरियसली लिया। कंपनी की किसी भी प्रमोशन को अगर हम सीरियसली लेंगे और उसको प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेट करेंगे तो मैम कंपनी का कोई भी जो वाइब्रेंट विवा का कोई भी अगर चीज आती है मैम, कोई भी प्रोमो आता है तो आपके बिजनेस के लिए, अगर आप उसको प्रॉपर पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देंगे तो आपके बिजनेस के लिए बूस्ट अप है। तो उसी प्रोमो की वजह से मैम मेरा ट्यूसडे को सीलिंग हो गया। तो हमें इसमें वक्त सबसे जो बढ़िया स्किल सेट करनी है, जो भी कंपनी का प्रमोशन आता है उसको सीरियस लेके अपने अप्लायंस के साथ डिस्कशन करके उसको हम टीम में इम्प्लीमेंट करेंगे जब, तो मैम रिजल्ट मार्वलस होंगे। ऐसे रिजल्ट होंगे जो हम शायद जो पुराने दिन है वो अपने आप वापस आ जाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि बिजनेस में कोविड है, ऐसा कभी फील ही नहीं होगा। और जो सबसे मेन बात है आज की पूरी, जो आप अभी तक जो आपने सवाल पूछे, एक बात निकल के आती है लास्ट मैम कि एजुकेट मॉनिटरिंग देन प्रमोशन। आपने सैटरडे को एजुकेट किया, बहुत ब्यूटीफुली इसको पिक्चराइज किया है जी। जैसे सैटरडे को मैम हमने एजुकेट किया कि ये प्रोमो आया है इससे कुछ रिवॉर्ड मिलेंगे, फिर हमने उनको मॉनिटर करना है कि व्हाट्सएप भेजो किस किसने ऑर्डर डाल दिए, राइट। तो जब उसके बाद वो उनको रिजल्ट आता है तो फिर प्रमोट करेंगे ये लीडर ने ये किया। ये सिंपल एक लाइन में मैम सारा कुछ हो सकता है, पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इसमें आ सकती है अगर हम इसको प्रॉपरली करना चाहें, क्योंकि एक्चुअली मैम हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो जानना जरूरी है, मानना भी जरूरी है, राइट। जो लोग मानेंगे मैम उनका बैंक बैलेंस बढ़िया होगा, उनकी एजुकेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग की वो ग्रो करेगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए इस वक्त का जो सबसे बढ़िया, मतलब मेरा बात करने का वो का तरीका है वो यही है कि कंपनी का कोई भी प्रमोशन आता है मैं उसको सीरियसली लेके उसको डुप्लीकेट करता हूँ। तो इस वक्त सबसे बढ़िया यही, और उसके बाद उनको मॉनिटर करता हूँ कि क्या लोग वो कर रहे हैं। क्योंकि इवन अगर मेरी कोई बात में मुझे अगर मेरे में कोई बहुत अच्छी ब्यूटी है लेकिन वो कंपनी के एजुकेशन सिस्टम से अलग है तो मैं उसको डुप्लीकेट नहीं कर पाऊंगा। इस वक्त जो मेरा मानना है मैम नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बेस्ट नहीं बनना है, हमें फ्री होना है। तो फ्री होने के लिए सबसे बढ़िया तरीका डुप्लीकेट करो, है ना। तो डुप्लीकेट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है मैम वाइब्रेंट एजुकेशन सिस्टम। जब एक रोड बना हुआ है मैं नई सड़क क्यों बनाऊं? एग्जैक्टली सर, वाइब्रेंट वीवा का यही मकसद है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटिवेट करे, उनको एजुकेट करे और सबसे आगे रखे। इस एंटायर सिस्टम का यही मोटो है। एवरी टाइम हम कुछ पोस्ट करते हैं ऑन आर व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर सोशल मीडिया पे, हमारा एक ही मोटो होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे मोटिवेट करें। ये सर ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है अडेप्ट होने में, पॉजिटिव रहने में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी ऐसा है, नेक्स्ट 2 महीने में अगर फिर से लॉकडाउन रहेगा तो क्या होगा, फिनेंशियली स्टेबल नहीं है बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम MLM जहाँ पे इंडस्ट्रीज में हम देख रहे हैं कि ले ऑफ हो रहा है, पे कट्स हो रहा है, लोगों को काम से निकाला जा रहा है वगैरह वगैरह। तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी रैपिड तरीके से ग्रो हो रहा है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड बेसिकली बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। सिचुएशंस ऐसे बिल्ड हो गए हैं कि बहुत सारे लोग सोच भी रहे हैं यू नो टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, बट देन अभी सिनेरियो ऐसा नहीं है कि वो कुछ शुरू कर सके जो उनके स्किल सेट के अंदर आता हो। और रिस्ट्रिक्शंस ऐसे भी हैं कि लोगों को सीख के करना पड़ेगा, उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं है। बट देन MLM ऐसा बिजनेस है, अगर आपके पास राइट एटीट्यूड है और एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट है तो आप कहीं पे भी कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं विद द सिस्टम दैट वी हैव। जी जी मैम, मैम इस वक्त अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो मैम इस वक्त का जो सबसे बढ़िया बिजनेस है वो बिजनेस है मैम जिसमें लोग हैं और दूसरा इंटरनेट है। अगर ये दो चीजें मैम जहाँ पे बढ़िया हो गई
अब देखो हमारे यहाँ इंटरनेट भी वीक है लेकिन फिर भी हम बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेट वीक है लेकिन हम वीक नहीं है, राइट। अच्छा तो मैम इसलिए इस वक्त का जो सबसे, क्योंकि इस वक्त की अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो आपका नेचुरली बात है एसेट्स नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि कमर्शियल मीटर का भी बिल आएगा, है ना। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी एसेट्स हैं वो लोग हैं और इंटरनेट है मैम, और उनको एजुकेट करेंगे तो वो हमारे हमारे लोग हमारी लायबिलिटी ना बने, इसलिए हम उनको एजुकेट करना है, मॉनिटर करना है। एग्जैक्टली Guys, with that note, I wind up this session and I would be back again with another Black Diamond probably next week, Thursday. I will keep you guys updated on the status of which member and what topic we would be discussing on the all social networking channels that Vibrant Viva is present on. Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Namaskar.